मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको व्याकरण का अध्याय 7 वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ाऊंगी। महारानी दुर्गावती गोंडवाना क्षेत्र की अद्वितीय वीरांगना और अजय नारी थी। अपनी अचूक निशानेबाजी से उन्होंने युद्ध में अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया। उनके अदम्य उत्साह से समूची गोंड सेना महीनों तक आसफ खां से जूझती रही। उपर्युक्त रेखांकित शब्दों को पढ़िए और उनके अर्थों पर ध्यान दीजिए। अद्वितीय, इसका वाक्यांश शब्द समूह है अद्वितीय का, जिसके बराबर दूसरा न हो। अजय का, जिसको जीता न जा सके। अचूक का वाक्यांश, जो खाली न जाए। अदम्य का, जिसका दमन किया जा सके न किया जा सके। भाषा अपने विकास की यात्रा में संक्षेपीकरण की ओर जाती है। व्यक्ति कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव और विचारों को अभिव्यक्त करना चाहता है, इसलिए वाक्यांश का शब्द समूह के बदले वह एक शब्द का ही प्रयोग करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, अनेक शब्दों में व्यक्त किए जाने वाले भाव या विचार को एक शब्द में समेट लेना ही वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग करना कहा जाता है। ऐसे प्राणियों से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है तथा भाषा प्रभावपूर्ण बन जाती है। हिंदी में ऐसे हजारों शब्द हैं जो एक शब्द में ही पूरे वाक्यांश को समेटे हुए हैं। इस प्रकार के महत्वपूर्ण शब्दों की सूची निम्नलिखित है। तो यहाँ पर वाक्यांश दिया हुआ है और शब्द दिया है। तो सबसे पहले मैं वाक्यांश स्टार्ट करती हूँ। सबसे आगे रहने वाले को एक शब्द में हमें बताना है। तो सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, अग्रणी माने होता है सबसे आगे रहने वाला। अब से अगला है जो पहले जन्मा हो, यानी जो उसका मतलब जन्म हुआ हो उसके आगे पहले जिसने जन्म लिया उसको अग्रज कहते हैं। तो अग्रज यानी बड़े भाई को कहते हैं। जिसे जाना ना जा सके, तो जिसे जाना ना जा सके। अज्ञेय, जिसका पता ना हो। अज्ञात, जिसे जीता ना जा सके उसे कहेंगे अजेय। जिसे कोई शोक ना हो, कोई चिंता नहीं हो, तो उसे कहते हैं अशोक। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, यानी जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जिसको कहा ना जा सके, तो अकथनीय, जो अपनी बात से टले नहीं अटल। जिसके आगमन की तिथि निश्चित न हो, जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं हो, अचानक में कोई जो आ जाता है अतिथि। आवश्यकता से अधिक बरसात, मतलब अधिक बरसात तो इसमें जरूरत से ज़्यादा हो। अतिवृष्टि, बरसात बिल्कुल न होना। जब बिल्कुल बरसात नहीं होती, सूखा पड़ जाता है, तो अनावृष्टि एक शब्द में बोलेंगे अनावृष्टि। बहुत कम बरसात होना, तो कम के लिए यहाँ पर अल्प का प्रयोग किया गया है, अल्पवृष्टि। जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय, जिसका दमन ना किया जा सके तो अदम्य। नेक्स्ट पेज 104 निकालिए। जिसे देखा ना जा सके अदृश्य, आदेश को एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो। अध्यादेश, एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना।
एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करने को क्या कहते हैं? अनुवाद। जैसे संस्कृत में दिया हुआ है तो उसको हिंदी में अर्थ लिखना है, तो उसको अनुवाद कहते हैं। जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ हो तो उसे अनुत्तीर्ण कहते हैं, उसका शब्द अनुत्तीर्ण है। जिसका कोई घर ना हो तो अनिकेत, घर के बाहर निकेतन डला रहता है, लेकिन जिसका कोई घर ना हो तो अनिकेत। जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपम, जो ढका हुआ ना हो तो अनावृत, जो ढका हुआ नहीं हो यानी अर्थात खुला हो तो अनावृत। जो सबके मन की बात जानता हो अंतर्यामी, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो तो उसको कहेंगे आस्तिक। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, थोड़े समय में जिसको ज़्यादा मतलब ना कहना पड़े, थोड़े समय में अपने आप में खुश हो जाए, उसे आशुतोष। वह जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत, किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की प्रक्रिया, किसी भी वस्तु को नए रूप मतलब देना है, आधुनिक यानी जो नया रूप देना, उसको आधुनिकीकरण। चारों ओर से ढका हुआ यानी पूरी चारों तरफ से ढके हुए बोलेंगे आवृत। वह चीज जिसकी चाह हो, तो जिसकी जो चीज जिसकी चाह हो उसको इच्छित कहते हैं। एक शब्द क्या है? इच्छित। किसी के संबंध में कुछ लिखने का वर्णन करने योग्य तो उल्लेखनीय। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो तो उपकृत। जिसका ऊपर कथन किया गया हो तो उपर्युक्त कहते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला, तो ऊपर की ओर जाने वाले को बोलते हैं ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी। अनेक को एक में किया हुआ, जैसे अनेक है, अनेक है उसमें उसको हमने मिला के एक कर दिया तो उसको बोलते हैं एकीकृत। कर्म करने में तत्पर व्यक्ति, यानी जो काम करने में निरंतर प्रयत्नशील रहे तो उसको बोलते हैं कर्मठ। जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, तो जिसकी बुद्धि बहुत तेज होती है उसको बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि। अपने लिए किए गए उपकार को याद रखने वाला, तो याद रखने वाले को बोलते हैं कृतघ्न। मतलब किसी के उपकार को जो माने उसको बोलते हैं कृतघ्न। तो यहाँ तक आप लोगों को मैंने वाक्यांशों के एक शब्द बता दिए हैं। नेक्स्ट अगले दिन बताएंगे, यह पूरा याद करके अच्छे से और इसको पूरा रिटेन में रखें आप लोग।